आज का रेट क्या है, अभी क्या चल रहा है अभी रेट? 1745 मिनट है सर, 25 हमें एक घंटे का है, 3000 में 90 मिनट का है और 4500 में दो लड़की है। और लड़की लोग कैसे मिलेगा, मतलब हमारे अपने हिसाब से देख के ले सकते हैं या आप लोग अपने मन से देंगे? बिल्कुल। दिल्ली के स्पा में क्या है एक्स्ट्रा सर्विस, चौंकाने वाले इस खुलासे को जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। देश का दिल राजधानी दिल्ली धीरे धीरे बैंकॉक में तब्दील होती जा रही है। यहाँ स्पा और मसाज पार्लर की आड़ में जोर शोर से चल रहा है जिस्म फरोशी का धंधा। दोस्तों, दिल वालों की दिल्ली में इन दिनों खूब फल फूल रहा है गंदा धंधा, जिससे दिल्ली का दामन दागदार हो गया है। देह व्यापार का काला साया पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हर कोने में स्पा सेंटर और मसाज पार्लर्स की भरमार नजर आती है, लेकिन इन स्पा सेंटर्स के छोटे छोटे कमरों में बड़े बड़े राज दफन हैं। दरअसल इन जगहों का इस्तेमाल धड़ल्ले से सेक्स रैकेट चलाने के लिए किया जा रहा है, यानी हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों को इन स्पा सेंटर्स की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा है। इस घोरक धंधे में हाउसवाइफ से लेकर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जाने वाली लड़कियां तक शामिल हैं। अगर आप में से किसी को ये गलत फहमी हो रही है कि सब कुछ चोरी छिपे हो रहा है, तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिस बात को बच्चा बच्चा जानता है उस बात में पर्देदारी कैसी। ये गंदा काम तो खुलेआम हो रहा है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज की चकाचौंध के पीछे छिपी ये काली हकीकत धीरे धीरे सबके सामने आ चुकी है। दरअसल ये किस्म का ट्रेंड बन चुका है जो खासतौर पर अब हमारे यूथ को अपनी ओर खींच रहा है। जहां कुछ साल पहले तक स्पा और मसाज पार्लर्स में एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर की जाती थी, वहां अब इसी सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सर्विस के लिए भीड़ जुटती है। और ये सब कुछ यानी ये गुलाबी धंधा खुल्लम खुल्ला हो रहा है। कैसे, वो भी बताते हैं आपको। बाहर स्पा सेंटर का बोर्ड टंगा है, जिसे देखकर मसाज कराने के शौकीन लोग अंदर रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचते हैं। सामने मौजूद महिला या पुरुष कस्टमर का वेलकम करता है, उसे पानी ऑफर किया जाता है। इसके बाद बड़ी मासूमियत से सवाल पूछे जाते हैं, बताएं सर कैसा मसाज रही, थाई मसाज, स्वीडिश मसाज, डीप टिश्यू मसाज या ट्रिगर पॉइंट मसाज। कुल मिलाकर दर्जन भर ऑप्शन सामने रख दिए जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि रूल्स के मुताबिक किसी पुरुष का मसाज कोई पुरुष ही करेगा, ठीक इसी तरह किसी महिला का मसाज कोई महिला ही करेगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? जी नहीं, इसके उलट स्पा सेंटर में पुरुष कस्टमर को यह चॉइस दिया जाता है कि वो किस लड़की या महिला से मसाज कराना चाहता है। अब आगे सुनिए। जब कस्टमर रूम में पहुंच जाते हैं, तो कुछ वक्त बीत जाने के बाद मसाज गर्ल्स कुछ ऐसा कहती हैं जिसे सुनकर कोई भी हक्का बक्का रह जाएगा। सर, एक्स्ट्रा सर्विस क्या लेंगे? जी हाँ, ये वो शब्द है जिसके बाद कस्टमर को कई ऑप्शंस दिए जाते हैं, और बस यहीं से शुरू हो जाता है स्पा सेंटर्स का गुलाबी धंधा। आमतौर पर स्पा लेने पहुंचे ग्राहकों के सामने एक्स्ट्रा सर्विस यानी जिस्म फरोशी के लिए कई तरह के रेट रखे जाते हैं। उनसे 2000 से लेकर 5000 तक चार्ज किए जाते हैं। इसमें बार्गेनिंग भी होती है, कई बार तो ये चार्ज उनसे पहले ही वसूल लिए जाते हैं। स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़की बताती है कि अब शादीशुदा महिलाएं भी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए आगे आने लगी। उसका साफ तौर पर कहना था कि आजकल मसाज या स्पा से किसी को खास लेना देना नहीं होता, हर कस्टमर का फोकस तो एक्स्ट्रा सर्विस पर ही लगा रहता है। दरअसल स्पा सेंटर्स पर पहले कारोबारी या शादीशुदा लोग ही पहुंचते थे, लेकिन अब यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स की भरमार रहती है। जो लोग चॉइस की बात करते हैं, लड़कियों को उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है। लड़कियों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो महज 4 सेकंड के भीतर चॉइस मांगने वाले कस्टमर को हेलो सर बोलकर वहां से हट जाएंगी। इसके बाद ग्राहक जिसे फाइनल करता है, वो महज 2 मिनट के भीतर ही कस्टमर के कमरे में पहुंच जाती है। और फिर वहां वही होता है जो हमारे सभ्य समाज के मुंह पर किसी बदनुमा दाग से कम नहीं। हैरानी तो तब कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है जब पता चलता है कि कई स्पा सेंटर बिना लाइसेंस के ही चल रहे हैं, और स्पा सेंटर की आड़ में वहां जिसमें फरोशी का धंधा खूब मजे से फल फूल रहा है। और हाँ दोस्तों, ऐसे ज्यादातर स्पा सेंटर्स बेहद पॉश इलाकों में चल रहे हैं, जहां खुद को बेहद हाई प्रोफाइल मानने वाली बड़ी आबादी बसती है। यानी सोसाइटी के सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाले इन लोगों को ये सब कुछ क्यों नजर नहीं आता, ये समझ से परे। पता नहीं ऐसे गोरखधंधों को देखकर इन लोगों को सांप क्यों सूंघ जाता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के धंधे सिर्फ मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों में ही फल फूल रहे हैं। दरअसल बड़े शहरों की देखा देखी ये बीमारी अब छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच चुकी है। छुआछूत की तरह स्पा सेंटर्स का जाल अब छोटे शहरों में भी फैल गया है।
पहले स्पा या मसाज अमीरों और हाई प्रोफाइल लोगों के शौक माने जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। छोटे शहरों में मसाज पार्लर खुलने से अब आम लोग भी इसकी चकाचौंध में फंसते चले जा रहे हैं। दरअसल ये खेल ही ऐसा है जो इंसान की सोच और उसकी समझ को अपना गुलाम बना लेता है। स्पा सेंटर्स की आड़ में चलाया जा रहे सेक्स रैकेट की तरफ लोग खींचे चले जाते हैं। वो जानते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी सेक्स की भूख जैसे इन्हें अंधा बना देती है। यही वजह है कि ऐसे स्पा सेंटर छोटे शहरों में भी बड़ा बिजनेस करने लगे हैं, रोजाना लाखों की कमाई करते हैं। ये धंधा इतनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है जिसे अगर रोका नहीं गया तो ये हमारे यूथ को बर्बाद करके रख देगा। कभी मजबूरी के नाम पर तो कभी जबरन लड़कियां इस तरह के गंदे काम से जुड़ जाती, उन्हें सिंडिकेट के तहत जबरदस्ती जिस्म फरोश की दलदल में धकेल दिया जाता था। लेकिन अब तो जमाना बदल गया है, अब लड़कियां यहां तक कि शादीशुदा महिलाएं भी शौक से स्पा गर्ल बन रही हैं। थोड़ी सी लालच और अच्छी कमाई का चस्का इन्हें सही गलत का अंतर समझने से काफी दूर धकेल रहा है। यही वजह है कि अब मिडिल क्लास से आने वाले लड़के लड़कियां भी जल्दी अमीर बनने के लिए इन गलत धंधों से जुड़ते जा रहे हैं। कई स्पा सेंटर्स गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले ऐसे लड़के लड़कियों को मोटी तनख्वाह ऑफर करके उन्हें अपने जाल में फंसा लिए जाते हैं। कई जगह तो लड़कियां खुद ही एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर ग्राहकों से अच्छी रकम ऐंठ लेती हैं, उस पर से जो टिप मिलती है सो अलग। आजकल तो ये लोग इतने ज्यादा ढीठ हो गए हैं कि इन्हें किसी का डर रह ही नहीं गया। वो शिकायत करता है तो पुलिस छापेमारी करती है, वरना तो सब कुछ सबके सामने चल ही रहा है खुलेआम। क्यों कोई इनका विरोध नहीं करता, क्यों नियमित तौर पर इन पर कार्रवाई नहीं होती, क्यों ऐसा नहीं होता कि जो स्पा सेंटर या मसाज पार्लर अपने धंधे की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहा है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, उसे जेल भेजने के साथ ही फिर कभी उसका लाइसेंस रिन्यू ना हो, ऐसा क्यों नहीं होता? पता क्यों? क्योंकि ये गंदा धंधा अब इतना बड़ा हो चुका है जहां रोजाना करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। साल 2019 के सितंबर महीने की बात है जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कई स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की। कमोबेश तमाम जगहों पर लड़के लड़के आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। कई सेंटर्स तो ऐसे मिले जिनका लाइसेंस एक साल पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वो चल रहे थे, वहां धड़ल्ले से सेक्स रैकेट चलाए जा रहे थे। तब स्वाति मालीवाल ने सीधे तौर पर इसके लिए पुलिस और MCD यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कई ट्वीट किए थे और पूछा था कि पुलिस और MCD को आंखें बंद करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं। इस सवाल का जवाब हम दे देते हैं, फिलहाल सिर्फ दिल्ली की बात करें तो यहाँ करीब 800 स्पा सेंटर चलते हैं जिनका रोजाना का कारोबार करीब 40 करोड़ रुपए का है, यानी 1200 करोड़ रुपए महीना। स्पा सेंटर चलाने वाले इतनी मोटी कमाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सिविक एजेंसीज, पुलिस, नेता सबके पास उनका हिस्सा तय वक्त पर पहुंच जाता होगा और वो फिर अपनी आंखें मूंद लेते होंगे। तभी तो इन्हें रेड का कोई खौफ नहीं होता और सब कुछ मस्त होकर चलता रहता है। धीरे धीरे ये जहर पूरे देश में फैल रहा है और पूरे देश के यूथ को बीमार बना रहा है। अगर अब भी इन पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो ये हमारे समाज के साथ साथ पूरे देश को खोखला बना देगा। इसलिए पूछिए ये सवाल उन तमाम जिम्मेदार लोगों से जिनके ऊपर हमारे समाज की जिम्मेदारी है, हमारे राज्य की जिम्मेदारी, हमारे देश की जिम्मेदारी। पूछिए उनसे कि क्या ऐसा ही भारत विश्व गुरु बनेगा, तो यही हमारी संस्कृति है जिसकी वजह से दुनिया में हमारी एक अलग पहचान है। पूछिए सबसे और उसके लिए ये सवाल पूछने के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए देश भर में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, उन सबके साथ तो जरूर शेयर कीजिए जो हर महीने, हर 15 दिन में, हर हफ्ते में या हफ्ते में दो बार स्पा सेंटर के चक्कर लगाते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में।